नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं चुनाव की, जिस तरीके से रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें, जिस तरीके से रिजल्ट बीजेपी के पक्ष में नहीं आया, अब कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे के साथ साथ अब पूरे देश की राजनीति में एक हलचल मची हुई दिखाई दे रही है। लेकिन खासकर इसमें दो ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं अब इस राजनीति को अलग सियासत के तौर पर मोड़ देने की तैयारी में है, जिसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें, लगातार अब ये मांग उठ रही है और कहीं ना कहीं अब बीजेपी खेमे में एक हलचल भी देखने को मिल रही है। लगातार नीतीश कुमार को साधने के लिए कांग्रेस पार्टी और बीजेपी अब उसी जद्दोजहद में लगी है कि किस तरीके से इनको अपने खेमे में रखा जाए। और कहीं ना कहीं अगर आरजेडी और कांग्रेस नीतीश कुमार के खेमे में घुसकर उनको अपने पाले में ले लेती है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो माहौल है वो बदलता हुआ नजर आएगा। आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आगे की राजनीति किस तरफ जाने वाली है और कौन सा रुख लेने वाली है। तो इन सब बातों के लिए हमारे साथ तनुज मौजूद है। इनसे जानेंगे कि तनुज किस तरीके से बिहार की जो राजनीति है या फिर बीजेपी की जो तरीके से स्ट्रेटजी वो बनाने की कोशिश कर रही है, क्या कुछ लगता है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ खेला होने वाला है। जी बिल्कुल माही, देखिए यहाँ पर बात अगर करी जाए नायडू की, तो चंद्रबाबू नायडू जो है बड़ा खेल यहाँ पर करते नजर आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं एनडीए की बैठक देखिए चल रही है और एनडीए की बैठक में उन्होंने मांग रखी है कि कहीं ना कहीं मुझे जो पद चाहिए, मुझे यहाँ पर शिक्षा विभाग चाहिए, मुझे स्वास्थ्य विभाग चाहिए, मुझे लोकसभा स्पीकर का जो पद होता है वो चाहिए, मतलब अपनी पार्टी के लिए मांग करते नजर आ रहे हैं। दरअसल टीडीपी पार्टी की इस समय लोकसभा सीटें की बात करी जाए तो 16 सीटें उनके खाते में आई हैं। वहीं बात अगर करी जाए नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार पीएम की गद्दी पर तो देखिए नगहल लेकर बैठे हैं, लेकिन साथ के साथ पीएम की गद्दी अगर नहीं मिलती है तो रेल मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की मांग करते नजर आ सकते हैं। ऐसे बड़े पद यहाँ पर बीजेपी पार्टी के खेमे से जाते दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी पार्टी का खेल बिगड़ता नजर आ रहा है। वहीं बात अगर इंडिया गठबंधन की करी जाए, तो इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को देखिए पहले ही अप्रोच कर चुकी है और अप्रोच करने के बाद नीतीश कुमार के लिए इंडिया गठबंधन ने पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली और उन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर भी दे दिया। जैसे सूत्रों से कल सब खबर सामने आई थी कि शरद पवार ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर दिया, हालांकि देखिए नीतीश कुमार ने अभी हाँ नहीं करा है। वहीं हलचल तब तेज हो गई जब पटना से बिहार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ आए। दोनों एक साथ आते हैं, प्लेन में आगे बैठते हैं नीतीश कुमार, तो जस्ट पीछे बैठे नजर आते हैं यहाँ पर तेजस्वी बाबू। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खेला बड़ा होने वाला है, क्योंकि दोनों जब तस्वीर निकल कर सामने आई, दोनों हंस रहे थे तस्वीर में। देखिए बातचीत तो जरूर हुई होगी कुछ ना कुछ, लेकिन दिल्ली आने के बाद दोनों अलग अलग दिशा में मुड़ते नजर आते हैं। तेजस्वी इंडिया गठबंधन की बैठक में जाते हैं, तो नीतीश वहीं एनडीए गठबंधन की बैठक में जाते दिखाई देते हैं। लेकिन बड़ा खेल यहाँ पर हो सकता है, देखते हैं कि आखिरकार अब किसकी सरकार यहाँ पर बनती दिखाई देगी। जी बिल्कुल तनुज, लेकिन जिस तरीके से अब जेडीयू की तरफ से भी मांग उठने लगी है, 3 मंत्री पद की मांग कर दी है, वहीं पर अगर बात कर लिया जाए चिराग पासवान और मांझी भी मंत्री पद की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि एक कैबिनेट मंत्री पद चाहिए और 2 एमओएस चाहिए, तो किस तरीके से या कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर एक प्रेशर बनाया जा रहा है और बीजेपी की मजबूरी भी है कि इनको जो ये मांग रखते हुए नजर आ रहे हैं, अगर बीजेपी पूरी नहीं करती है तो ये लोग इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे और वहां पर इंडिया गठबंधन को बीजेपी को शिकस्त देने के लिए जब एक गुट साथ आ सकता है, तो ऐसे में हो सकता है कि वो इस पद के लिए, इस ऑफर के लिए मान जाए और इनको पद भी दे दे और वो चाहेंगे कि एक जो प्रधानमंत्री का चेहरा अपनी पार्टी की तरफ से खड़ा कर देंगे, ऐसा कुछ नजारा देखने को मिल सकता है आने वाले भविष्य में। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जैसे कि आपने बात करी यहाँ पर नीतीश कुमार की, चिराग पासवान की देखिए 5 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, LJPR उनकी पार्टी है और 5 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज करी है। ऐसे में डिजर्व करते हैं कैबिनेट मंत्री पद, कहीं ना कहीं दिया जाएगा चिराग पासवान को, बड़ी जिम्मेदारी केंद्र में, बड़ी जिम्मेदारी चिराग पासवान को देती नजर आएगी। वहीं आपने जिक्र करा कि कहीं ना कहीं बीजेपी पर दबाव बनाया जा रहा है, तो देखिए इस बात में झूठ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे है। 240 सीटें बीजेपी के खाते में आती दिखाई देती है, वहीं देखा जाए तो 32 सीटें दूर यहाँ पर बीजेपी पार्टी इस बार आकर रुक गई है, मतलब 32 सीटें और बीजेपी को चाहिए थी बहुमत के लिए। ऐसे में एनडीए
का सहारा लिया गया, 16 सीटें आकर जुड़ जाती हैं, टीडीपी की 12 सीटें जुड़ जाती हैं, जेडीयू की 5-6 सीटें जुड़ जाती हैं, चिराग पासवान की 2 सीटें जुड़ जाती हैं, आरएलडी की और भी कई ऐसी अन्य सीटें हैं जो एक 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 दो दो कर जुड़ जुड़ाकर सीटें बैठती हैं 292 मतलब कि 292। अब ऐसे में बीजेपी के पास कहीं ना कहीं एनडीए को मिलाकर तो गठबंधन मतलब बहुमत है, लेकिन अकेले बीजेपी के पास गठबंधन मतलब बहुमत नहीं है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर जरूर दबाव बनाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अगर इन सभी दलों को बड़े बड़े पद बांट दिए जाएंगे तो फिर बीजेपी के पास क्या बचेगा। खैर बीजेपी देखिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ऐसी बड़ी जिम्मेदारी तो देखिए इन दलों को नहीं देती नजर आएगी, लेकिन हाँ वित्त मंत्रालय हो गया, रेल मंत्रालय हो गया, स्वास्थ्य मंत्रालय हो गया, इस तरह की सड़क परिवहन मंत्री हो गया, इस तरह की जो जिम्मेदारियां हैं वो इन दलों को देती नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन तनुज जिस तरीके से मंत्री पद एक हलवे की तरह देखा जा रहा है कि सब में बट रहा है और सब उसकी मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या बीजेपी इतनी आसानी से इनको मंत्री पद दे देगी, या फिर जो अदर्स में जो प्रत्याशी जीते हैं या मैदान में उतरे हैं बीजेपी चाहेगी कि उनमें से कुछ सेधमारी हो जाए, तो अगर इनके कुछ सांसद इधर उधर होते भी हैं तो बैलेंस बना रहे, किस तरीके की रणनीति अब बीजेपी के खेमे में से निकल कर आ सकती है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर जिम्मेदारी देना जरूरी है और मजबूरी भी कहीं ना कहीं बीजेपी निकल कर आ रही है, क्योंकि कड़ा एक्शन हो सकता है कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर बीजेपी इनको जिम्मेदारी नहीं देती है, क्योंकि अगर नीतीश बाबू ने साथ छोड़ दिया, टीडीपी ने मतलब कि चंद्र बाबू और नायडू जो है उन्होंने साथ छोड़ दिया, तो जाकर 16 और 12 टोटल सीट जाकर मिल जाएंगी इंडिया गठबंधन में, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन स्ट्रांग हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पर देखिए बात अगर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ, मुश्किल नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन के लिए कि वो सरकार बनाए, लेकिन बहुत आसान तस्वीर यहाँ पर देखी जाए तो पार्लियामेंट में भले ही बीजेपी होगी तो सही, लेकिन बीजेपी का कहीं ना कहीं वर्चस्व नहीं होगा, क्योंकि अगर लोकसभा के स्पीकर पर बिठा दिया जाएगा टीडीपी पार्टी को, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर टीडीपी पार्टी को दे दी जाएंगी, जेडीयू पार्टी को दे दी जाएंगी, तो फिर आखिरकार बीजेपी पार्टी 2024 के चुनावों के बाद इतना स्थिति खराब कैसे हुई, सवाल यह खड़ा होता है। क्योंकि आपने देखा होगा बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मात्र 1,45,000 वोटों से जीत दर्ज करते हैं, जहां 2014 में 5,00,000 वोटों से जीते, उसके बाद और ज्यादा वोटों से जीते। जैसे जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत कम मार्जिन के साथ जीते हैं, तो इस बार जितने प्रत्याशी मैदान में उतरे थे यही बात निकल कर आ रही थी कि इस बार जो प्रत्याशी बस नाम के लिए खड़े हैं पीएम मोदी सबका चेहरा है, तो ऐसे में पीएम मोदी को ही झटका लगा। हाँ, वही तो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मतलब इस बार ये बात नहीं चल पाएगी अब आगे के चुनावों में कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट मिल जाएगा, क्योंकि 2024 में जनता ने बीजेपी पार्टी को बता दिया है कि अब मोदी के जो वादे थे, क्योंकि वो वादे झूठे साबित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, इन बातों को भी देखिए ध्यान में रखना पड़ेगा। माही अब बीजेपी पार्टी के पास एक बड़ा मौका आखिरी बार जो है तो भगवान लड्डू दे देता है हाथ में, वो लड्डू इस समय बीजेपी पार्टी को दिया गया है, वो भी इस तरह से एक व्हील चेयर पर बीजेपी पार्टी बैठी है, और वो व्हील चेयर है टीडीपी पार्टी जिसका एक पहिया है, दूसरे का पहिया है जेडीयू पार्टी, अगर एक का भी पहिया टूटा तो कहीं ना कहीं बीजेपी टूट जाएगी, तो यहाँ पर बहुत दिक्कतों का सामना बीजेपी को करना पड़ेगा। और इस बार इन 5 साल जो सरकार चलेगी, और ऐसा भी हो सकता है आधे में सरकार गिर जाए, लेकिन 5 साल सरकार जो चलेगी बहुत दिलचस्प तरीके से चलेगी, और बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं डर का माहौल भी रहेगा, और जैसे कि आपने जिक्र करा प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का, तो वाकई में प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे इस बार वोट नहीं मिल पाया, उनके पास मौका है कि इस बार सुधार कर लें अपने अंदर, और जो नौकरी जो बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आप नौकरी नहीं दे रहे तो इनको अब नौकरी देनी पड़ेगी, महंगाई कम करनी पड़ेगी, तब आगे चलकर ये सरकार बना पाएंगे, वरना कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, लेकिन तनुज एक आखिरी सवाल और छोटा सा मेरा रहेगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार राम मंदिर का नारा देते हुए नजर आ रही थी, उसको ये लग रहा था कि यूपी की सियासत में कुछ करने की जरूरत नहीं है, राम मंदिर बनवा दिया है और लोग उसी के नाम पर वोट दे देंगे, धर्म के नाम पर, तो क्या वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी गलती साबित हुई है कि बीजेपी का आप सोचिए कि जिस राम मंदिर के भरोसे उसने पूरे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा और वहीं अयोध्या से उनका प्रत्याशी हार जाता है और बीजेपी को भी करारी हार का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए माही कहीं ना कहीं मैंने आपसे बोला सिर्फ राम मंदिर के नाम पर वोट नहीं मिल पाएगा, वोट आपको मिलेगा आपके काम पर। आप देखिए उत्तर प्रदेश में बात अगर करी जाए तो कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाते हैं, बात अगर करी जाए बेरोजगारी की चरम सीमा पर है, आप नौकरी देते नहीं हैं, आप मुझे बताइए पिछले 5 सालों में क्या नौकरी दी है जब से कार्यकाल शुरू हुआ है, दूसरी बार यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का, कहाँ नौकरियाँ दी हैं और कब नौकरियाँ देंगे। अभी हाल ही में पेपर लीक हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का, उस पेपर की परीक्षा कब दोबारा कराई जाएगी, कोई स्थिति मतलब यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, सवाल बहुत है, जवाब बीजेपी पार्टी के पास नहीं है, ऐसे में अयोध्या की जनता ने झटका दिया है। अब योगी जी के पास भी देखिए 3 साल का कार्यकाल बचता है, 3 साल में कुछ कर दिखाए तो कर सकते हैं, वरना 2027 में भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुरी तरह से हार का सामना करती दिखाई देगी।
जी बिल्कुल, अब यही देखना बेहद दिलचस्प होगा जिस तरीके से यह पूरा मामला निकल कर सामने आ रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी इन मुश्किलों से खुद को उभार पाएगी या फिर नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हुए नजर आएंगे? और जो उनका एक स्लोगन था और जो कहीं ना कहीं मीम्स वायरल हो रहा था कि नीतीश सबके हैं, वो फॉर्मूला फिर से एक बार लगता हुआ नजर आएगा? ये पूरी सियासत कहीं ना कहीं अब अलग मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के खेमे में कहीं ना कहीं ये खुशी की लहर देखने को मिल रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी सदमे में जाती हुई दिखाई दे रही। लेकिन फिलहाल आने वाले समय में किस तरीके का सिनेरियो बनेगा ये तो देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इन सब बातों पर आपका क्या कुछ कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।